फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी आलू की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। और अब तंदूरी आलू खाने के लिए आपको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा, जब चाहे आप इसे घर में आसानी से कुछ ही सामान से मिलाकर इसे बना सकते हैं। और स्पेशली ये जो रेसिपी है ये वेजिटेरियंस के लिए है, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं और तंदूरी फ्लेवर का कुछ भी खाना चाहें तो एनी टाइम इसे आप खा सकते हैं। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपको मेरे मेहनत और रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले दही ले रही हूँ। तो दही जो है ना, आप अपने जो आपके आलू हैं, जितना आप बनाना चाहते हैं, जितने लोगों के लिए बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा फेंट दूंगी। तो दही को फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है, बहुत अभी ज़्यादा अच्छा से नहीं फेंटा है। अब हम इसमें कुछ हमारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच, ये हमारा ग्रीन चिली पेस्ट है, ये डाल दिया है। साथ में मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ मैं इसमें डालूंगी काला नमक, और साथ में मैं डालूंगी बहुत थोड़ा सा, ये मेरे पास पुदीना पाउडर है, ड्राई पुदीना पाउडर, वो डाल दूंगी। भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, बहुत थोड़ी सी इसमें हल्दी, दो चम्मच के आसपास धनिया पाउडर, नमक, नमक हमने काला नमक भी इसमें ऐड किया है तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, भुनी हुई कसूरी मेथी, लाल मिर्च, और इसके साथ साथ मैं डालूंगी इसमें भुना हुआ बेसन, और इन सबको मैं वापस से अच्छे से मिक्स करूंगी एक बार। और मैं इसमें डालूंगी कच्चा सरसों का तेल, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका, तो ज़रूर डालिएगा। और इसे भी मैं इनके साथ मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा तंदूरी फ्लेवर देने के लिए तंदूरी मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर मेरे पास था तो मैंने डाल दिया कि एक्स्ट्रा फ्लेवर मिलेगा। और साथ में मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, जैसे कि मार्केट में मिलता है ना ऑरेंज कलर के उसमें, तो इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी नींबू का रस, तो ये एक नींबू का रस है जो कि मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ में डालेंगे इसे और चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला। तो मसाले तीखे कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट की जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। और फ्लेवर इसमें जो है तंदूर जो आलू होते हैं, क्योंकि आलू फीके होते हैं और तो उसमें थोड़ा सा तेज मसाला ही जाएगा तभी ये ज़्यादा स्वाद देगा, तो इसे भी हमने मिक्स कर दिया है। तो ये जो है ना, हमें स्मूथ सा इसका जो मैरिनेशन है वो रेडी करना था, तो हमने इसमें सारी चीज़ें जो है मिला दी हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास उबले हुए आलू हैं तो बहुत ज़्यादा इसे नहीं उबाला गया है, तो इस तरह से हम इसे कट करेंगे। और जितने बड़े आपको टुकड़े चाहिए उतने आप ले सकते हैं। तो इस तरह से डाल के इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो मैंने सारे आलू जो है इसमें डाल दिए हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे कुछ हमारे टमाटर, जिसके कि मैंने बीज निकाल ली हैं।
और इसके साथ साथ कुछ ये हमारे पास शिमला मिर्च है, और ये हमने जो डाइस में काटे हुए प्याज हैं वो भी ले लेंगे, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही हल्के हाथों से करेंगे, और ताकि ये जो मसाले हैं ना, सारी जो वेजीज हमने डाली है ना, उसमें भी कोट हो जाए और आलू में भी। तो आलू बहुत ज़्यादा मोटे भी हमने नहीं काटने हैं, क्योंकि फिर जब हम ये खाएंगे ना तो थोड़े से फीके लगेंगे, इसीलिए इतना साइज रखना है कि ये जो है ना फीके लगे, और ना ही ये हमारे आलू इतने पतले हों कि ये हमें रोस्ट करते हुए टूट भी जाए। आप चाहें तो सिर्फ आलू के भी बना सकते हैं, इसमें सब्जियां नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डालें आप, पर इससे जो है बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है सब्जियों के साथ। और इसे हमने कम से कम जो है 20 से 25 मिनट तक मैरिनेट करके छोड़ना है, तभी इसका जो फ्लेवर है ना आलू में और सब्जियों में चढ़ेगा। तो मैं इसे रख दूंगी कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगी 20 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स 25 मिनट हो गए हैं इसे मैरिनेट किए हुए रखे हुए, और अब मैं क्या करूंगी, इसके बीच में एक स्पेस बनाऊंगी इस तरह से, और यहां मैं रखूंगी एक ये कटोरी, और इसे पूरा तरह से तंदूरी फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैंने एक कोयला जो है बहुत बढ़िया से जो है गरम कर लिया है, और इसमें थोड़ी सी हींग डालूंगी और साथ में डालूंगी देसी घी, और इसे जो है हम तुरंत जो है बंद कर देंगे, और इसे 5 मिनट हम इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि जो इसका स्मोक है ना ये पूरे हमारे आलू के स्टफिंग में जो हमने बना के रखी है वो उसमें आ जाए। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। और अब हम क्या करेंगे, इसे हटा लेंगे और इसे जो है मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मेरे पास ये स्क्रूस हैं, तो मैं क्या करूँगी अब इसमें इन्हें डाल दूंगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा जो वुडन वाले आते हैं वो भी ले सकते हैं, उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। और इस तरह से हम इन्हें डालते चले जाएंगे। तो यहाँ मैं 2 आलू एक साथ लगाऊंगी, और आप जैसे मर्जी लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो देखिए ये सावधानी से करने पड़ेंगे, ये क्योंकि बॉइल्ड पोटैटो है, ये टूट भी रहे हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे ना अलग से फ्राई कर लेंगे। तो ये जो स्क्रूअर है वो भी थोड़ा सा मोटा है मेरा वाला, तो बस इस तरह से इन्हें हम लगाएंगे। तो देखिए ये जो है एक मैंने अपना स्क्रूअर जो है वो रेडी कर लिया है, इसी तरह से हम सारे अपने रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने सारे जो है इसमें डाल दिए हैं, मेरे पास छोटे वाले भी थे तो कुछ छोटे में कर लिए हैं कुछ बड़े में, तो अब हम इन्हें रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे पास ये जाली थी, तो मैंने ये जाली रख दी है, और अब हम क्या करेंगे इन्हें इस तरह से इसमें रख के, घर में जो है हमने ये तंदूर बना लिया है, इसे इस तरह से हम घुमा घुमा के पका लेंगे। अगर आपके पास जाली नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसे जो है इस तरह से भी घुमा घुमा के बना सकते हैं। तो मैं जैसे जैसे ये बनता रहेगा, और इसे जो है मैं मीडियम आंच करके रोस्ट कर लूँगी, और इसे जो है हम चारों तरफ से जो है इस तरह से घुमा घुमा कर
जैसे तंदूर में पकता है उसी तरह से हम इसे पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने ब्यूटीफुली जो है ये हमारे तंदूरी आलू सिक रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर लगता है। और अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें देसी घी लगा दूंगी, और जिस साइड में हमने देसी घी लगाया उस साइड को हम इस तरह से गैस की तरफ कर देंगे। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा इससे, और एक शाइन सी भी आती है हमारी तंदूरी जो भी हम बनाते हैं उसमें। तो इसे सब तरफ से हम लगा देंगे ऐसे। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना बढ़िया फ्लेवर है, और सच मानिए बहुत ही अमेजिंग लगेगा जब आप घर पे बनाएंगे, अपने गेस्ट्स को खिलाएंगे, फैमिली को खिलाएंगे। और डेली ये डिमांड में रहेगा, कोई खास इसमें खर्चा भी नहीं है। और आलू और ये जो हमने सब्जियाँ यूज़ किया, मसाले यूज़ किए हैं, वो सभी के घर में होते हैं। तो बस ये हमारे तंदूरी आलू बिल्कुल रेडी हैं, और अब मैं इन्हें सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे तंदूरी आलू, बहुत ही गजब का फ्लेवर आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।